जय गंगे माता। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 26 मई के दिन मैं पहुंच चुका हूं हर की पैड़ी। अभी तक आप दिन के जो ताज़ा दृश्य हैं वो देखते आ रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को शाम के जो सुंदर दृश्य हैं वो दिखाए जाएं, क्योंकि शाम को हर की पैड़ी में देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और उस समय जो पिक्चर क्वालिटी है, जो वीडियो है, वो भी बहुत अच्छी आती है। दिन में धूप की वजह से अच्छी नहीं आती है। तो आप देख सकते हैं हर की पैड़ी के सुंदर दृश्य। आरती शुरू होने से पहले के ये ताज़ा दृश्य आप सभी देख रहे हैं। 26 मई की ये वीडियो है। समय की बात करें तो लगभग 6 बजे के आसपास आप सभी हरिद्वार के हर की पैड़ी के ताज़ा दृश्य देख रहे हैं। लोग अभी से लाइन लगाकर बैठ चुके हैं, अपनी अपनी पोजीशन उन्होंने ले ली है, जबकि अभी 1 घंटे से भी ज़्यादा समय बाकी है आरती के लिए, क्योंकि आजकल जो आरती का समय है वो 7:15 के आसपास माँ गंगे की भव्य आरती होती है। लेकिन उससे पहले ही श्रद्धालु देख सकते हैं बैठ चुके हैं। श्रद्धालु के अंदर एक बहुत बड़ी अच्छी बात ये होती है कि हर एक व्यक्ति माँ गंगे की आरती को कभी छोड़ना नहीं चाहता, वो मिस नहीं करना चाहता। सब यही चाहते हैं कि वो आगे बैठें और अच्छे से माँ गंगे की भव्य आरती देख सकें। उससे पहले आप यहाँ पर गंगे जी के दर्शन कर सकते हैं, माँ गंगे के दर्शन करें। सुंदर निर्मल जल लगातार निरंतर बह रहा है, आप सभी दर्शन करें और कमेंट में जय गंगे माता जरूर लिखें। अगर आप इसी तरह लगातार हरिद्वार ऋषिकेश से माँ गंगे के दर्शन करना चाहते हैं, यात्रा से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो देख सकते हैं ये मालवी घाट के सुंदर दृश्य हैं। बहुत सारे श्रद्धालु इस समय घाट पर आपको नजर आ रहे होंगे और काफी अच्छा लग रहा है। सुहाना मौसम है, शाम 6 बजे धूप भी नहीं होती है और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। हालांकि लोगों से अपील की जाती है कि आरती से आधा घंटे पहले या लगभग 45 मिनट पहले स्नान बंद करने के लिए कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जिनके पास समय नहीं होता है, किसी की ट्रेन होती है, किसी को वापस अपने घर जाना होता है, तो श्रद्धालु लगातार स्नान करते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं इन दृश्यों को। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करने के साथ आगे शेयर जरूर करें। ये मालवी घाट के सुंदर दृश्य इस समय आप देख रहे हैं और यहाँ पर आप सभी माँ गंगे के दर्शन कर सकते हैं। माँ गंगे की सुंदर प्रतिमा आपको यहाँ पर नजर आ रही है। आइए आपको ले चलते हैं ब्रह्मकुंड घाट के पास और वहाँ से ताज़ा दृश्य देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो श्रद्धालु हैं वहीं पर बैठते हैं, क्योंकि वहाँ से अच्छे से माँ गंगे की जो आरती है उसको देख पाना आसान हो जाता है। ये देख सकते हैं आज तो बहुत ज़्यादा श्रद्धालु की भीड़ थी, हर एक घाट लगभग फुल हो गया था जहाँ पर लोग बैठते हैं, जगह ही नहीं बची थी, लोग लगातार पीछे की ओर बैठना पड़ रहा था। दोस्तों, आप सभी के लिए एक अच्छी खबर ये है कि आज जो गंगा जल हमें देखने को मिल रहा है इसमें रेत की मात्रा ना के बराबर है। कह सकते हैं कि पूरी तरह ट्रांसपेरेंट जल होने लगा है, क्योंकि बारिश की वजह से पिछले 10-12 दिन गंगा जल में काफ़ी ज़्यादा रेत की मात्रा आ रही थी, लेकिन आज जब मैंने गंगा जल को देखा तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि रेत की मात्रा ना के बराबर, हल्की हो सकती है लेकिन फिर भी अच्छा जल दिख रहा था। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे और पूछ भी रहे थे कि गंगा जल में रेत आ रही है या नहीं, तो उन सभी लोगों के लिए अच्छी खबर है। आप सभी आ सकते हैं और आराम से गंगा जल में डुबकी लगाएं। कमेंट में जय गंगे माता ज़रूर लिखें। ये देख सकते हैं मैं घंटाघर घाट में इस समय हूँ और पूरी तरह से घंटाघर घाट जो है पैक हो चुका है, पीछे तक श्रद्धालु बैठे हुए हैं और सामने है ब्रह्मकुंड घाट और यहाँ पर होती है माँ गंगे की भव्य आरती। ये जो सामने स्थान देख रहे हैं जहाँ पर मंदिर है, इसी स्थान पर आरती होती है। आइए चलते हैं नाई घाट की ओर और वहां के सुंदर दृश्य देखते हैं।
दोस्तों आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को शेयर जरूर किया करें। अगर आप दर्शन कर रहे हैं तो आपके द्वारा और भी लोग दर्शन कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोग शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल ना किया करें। ये बिल्कुल ताज़ा दृश्य है, थोड़ी देर पहले की ये वीडियो है, ये देख सकते हैं हर तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और अब मैं पहुंच चुका हूं नाई घाट में। नाई घाट के सुंदर दृश्य देख सकते हैं। अभी मैं माँ गंगे की जो निर्मल जल धारा है उसको भी दिखाऊंगा, क्योंकि नाई घाट के पास जल का फ्लो जब तेज रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं वो दृश्य भी आपको जरूर दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहें और अंत तक जरूर देखें। अगर आपके मन में कोई सवाल है हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा से संबंधित, कोई भी मन में सवाल है तो इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम जो आईडी है वो मुकेश हेल्प नाम से है। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई मिले। और ये देख सकते हैं नाई घाट के पास गंगा जल के सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। और यहाँ पर है हम सभी का मनपसंद मंदिर मनसा देवी मंदिर। और ये देख सकते हैं गंगा जल का फ्लो कितना तेज है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक जरूर करें और कमेंट में जय गंगे माता लिखते जाएं। यहाँ पर है भागीरथ सेतु। आज यहाँ तक लोग बैठे हुए हैं। कई बार देखा गया है कि इस इतनी दूर तक श्रद्धालु नहीं बैठते हैं, और इस स्थान से जो माँ गंगे की आरती है काफ़ी दूर होती है, फिर भी जगह ही नहीं बची है तो लोगों को भागीरथ जो सेतु है वहाँ तक बैठना पड़ रहा है। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। देख सकते हैं श्रद्धालु लगातार हर की पैड़ी की ओर प्रवेश कर रहे हैं। हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा से संबंधित अपडेट पाने के लिए कुछ खबर ऐसी होती है जो बहुत छोटी छोटी होती है और उनमें वीडियो बना पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है या समय नहीं मिल पाता है, तो इंस्टाग्राम में मैं वो जो न्यूज़ होती है वो अपलोड करता रहता हूँ। तो इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी मुकेश हेल्प नाम से है। और ये देख सकते हैं भागीरथ सेतु से बहुत सारे श्रद्धालु नीचे नाई घाट की ओर आ रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही और वीडियो के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, हर हर महादेव।